कैसा अभियान है ये जो आज पुलिस लाइन में कई वर्षों के बाद सफाई चल रही है? हमारे पास पुलिस लाइन सुल्तानपुर में आरटीसी के जवान हैं, पुलिस कार्यालय और पुलिस लाइन्स के हमारे साथी अधिकारी और जवान हैं। प्रत्येक रविवार को पुलिस लाइन में इस तरह का श्रमदान का अभियान चलेगा। श्रमदान से एक ओर सफाई होती है, दूसरी ओर भाईचारा आता है, सॉलिडरिटी आती है, एकात्मकता आती है और हमारा संकोच छूटता है। जब हम पब्लिक प्लेस की सफाई कर सकते हैं, खराब से खराब, गंदी से गंदी नाली की सफाई कर सकते हैं, तो अपना घर साफ करने के लिए भी प्रेरित होंगे। साथ ही साथ ये जो भौतिक गंदगी दिखाई दे रही है जिसको हम लोग आज साफ कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो हमारी मानसिक गंदगी है उसकी भी सफाई का की प्रेरणा मिलती है। हम लोग मिलकर काम करते हैं, ईर्ष्या का भाव समाप्त होता है और एक टीम भावना जिसकी पुलिस में अत्यंत आवश्यकता होती है उसका भी यहाँ एक तरह का जागरण होता है। मेरा अनुरोध है कि जो समाज से जुड़े लोग हैं, कॉलोनीज में रहने वाले लोग हैं, वो भी प्रत्येक सप्ताह अपने यहाँ ऐसा सफाई कार्यक्रम चलाएं। जो कॉलोनीज है उसमें सफाई अभियान चलाने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि झाड़ झंखाड़ में चोर और उचक्के छिपे रहते हैं, दिखाई नहीं देते, पुलिस की गश्त होती है उस समय भी नहीं दिखते हैं, जुआ होता है ऐसी खोह में, लोग आड़ देख के शराब पीते हैं, इस सबसे भी हमारे समाज को मुक्ति मिलती है और एक स्वच्छता का अभियान भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की उच्चतम प्राथमिकता है, उसका अनुपालन भी होता है।